फैक्ट नंबर ए। अगर ये 6 बातें वो सामने वाला इंसान आपसे कहता है तो उस जगह से निकल जाइए, उस इंसान को छोड़ दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलते रहने दीजिए, अगर थोड़ा भी आपने इधर उधर करा तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये मत करिए तो मैं हर्ट भी नहीं करूँगा। ज्यादातर इंसान जब कहते हैं इस बात को कि जब वो कर चुके होते हैं ऑलरेडी हर्ट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, अभी मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं देख। इस बात को ध्यान से समझना, उसने क्लियरली बोल दिया है कि वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहा है, ना आगे जाके वो कमिटेड होने के बारे में सोच रहा है। उस चीज को इन्विटेशन की तरह ना ले और सोचे ना कि ट्राई करती हूँ या करता हूँ और मैं बाद में जाके इसे इंसान को चेंज कर दूंगा। आप चेंज नहीं कर पाओगे और आपकी फीलिंग्स हर्ट होगी। दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन। जो अभी तुम्हारे रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही है और सामने वाला इंसान इस चीज को इस वजह से बोल रहा है क्योंकि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तुम्हारी गलती है सारी है, तुम्हारा फॉल्ट है सब ये। वो हर चीज के लिए हर सिचुएशन पे तुम पे उंगली उठा। नंबर 2। 6 से साइना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर कर रहे हो, जितना सोच रहे हो उससे भी बहुत ज्यादा। आप 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बदल गए हो। जो चेंज है ना वो आपकी ग्रोथ का एक साइन है। अब आपको डर नहीं लगता चेंज जाने में। जिंदगी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हो आप, आपने वो मुश्किल वक्त निकाल दिया तो धीरे धीरे आप अंदर से मजबूत होते चले गए, स्ट्रॉन्गर। कुछ लोगों को अपने गोल्स के बारे में नहीं पता होता, भेड़ बकरियों की तरह किसी के भी पीछे चल देते हैं। पर अगर आपको अपने गोल्स के बारे में पता है और रास्ते पे आप निकल पड़े हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके ना सिर्फ 1 से 2 फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, बस ये है और ये है। तो ना ब्लेसिंग है ऊपर वाले की आप पे। कुछ लोग ना सोचते हैं एकदम से मजे आ जाए जिंदगी में, ये हो जाए वो हो जाए, पर अगर आपके दिमाग में है ना कि आपको शांति चाहिए पीस चाहिए तो आप अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग गलतियों से भागते हो दूसरों को ब्लेम करते हैं, पर अगर आप अपनी गलती मान लेते हो उससे सीखते हो तो अच्छा है।